हे गाइस, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबको IIPS का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करता है, कहाँ करना है, ये सब सिखाएगा। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको सर्च कर देना है IIPS, और पहले जो लिंक है IIPSIndia.ac.in में जाना है। वहाँ पे जाके थोड़ा बफरिंग हो रहा है, वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन के जो कॉलम है राइट साइड में, वहाँ पे नीचे देखना है थोड़ा सा, वहाँ पे एडमिशन 2021-2022 है, वहाँ पे जाना है। वहाँ पर जाके यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर एडमिशन, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू यूजर कर लेना है। वहाँ पे अपना ईमेल आईडी वगैरह देना है, जैसे कि मैं मेरा दे देता हूँ। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सिलेक्ट क्वेश्चन इसलिए देता है कि जब भी आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो वो काम आता है। तो आपको अपना ईमेल आईडी देके वहाँ पे वेरीफाई ईमेल कर देना है, तो आपके ईमेल में एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पर इंटर कर देना है। क्या आया है OTP? ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, पिन नंबर को ही दे देता हूँ। फिर तो पिन नंबर, फिर आपको पासपोर्ट क्रिएट करना है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट क्रिएट कीजिए, जैसे कि एक अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पर कैप्सा टेक्स्ट दे दीजिए, फिर सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिए। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, कोई टेंशन नहीं। फिर आपको ये जो यूज़र आईडी है ना, उसको कॉपी कर लेना है, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फोटो खींच के लीजिए। सबसे पहले उसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है ना, प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन, वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसको कॉपी करने के बाद, नहीं तो कोई भी नोट डाउन करने के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पे हमको वो जो अभी कॉपी किया था उसको दे देना है। और नीचे पासवर्ड में जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसको डाल देना है। उसको डालने के बाद हमको साइन इन करना पड़ेगा। डाल देता हूँ। चलिए मैं अपना डाल लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको साइन इन कर देना है, ठीक है। ऐसा कुछ कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन दिखाई जाएगा, आपको अपना पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। तो इसके बाद आपको पढ़ने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स डालने को बोला, तो सबसे पहले हम ये फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। फादर्स नेम डाल देना है, मदर्स नेम डालना है, और इसके बाद मैरिटल स्टेटस डाल लेना है, जेंडर, नेशनलिटी, रीजन डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे गिव रीजन इन ब्रीफ एज व्हाई यू
seek admission and what you expect to gain by taking admission in IIPS. और फिर पूछा जा रहा है कि आप एडमिशन IIPS में क्यों लेना चाहते हैं, कुछ भी डाल दीजिए अपने हिसाब से, लिख के दीजिए। उसके बाद ये पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद 7 अपडेट कर देना है, ठीक है। 7 अपडेट करने के बाद राइट कॉर्नर में जो राइट डाउन कॉर्नर में जो कंटिन्यू बटन है वहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपका एकेडमिक डिटेल्स डालने को बोलेगा, तो 10, 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप जितना भी किया है वो डाल दीजिए। जैसे कि 10 का मेरा बोर्ड का नाम है साहिबा। इसके बाद आपको डाल देना है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मतलब अच्छा सर जी आपने कब पास किया था उसका ईयर और मंथ डालने को बोला है, तो उसका अपना मार्कशीट में मिल जाएगा, वहाँ पे देख के डाल लेना है, ठीक है। डालने के बाद डन में क्लिक करना है, फिर अपना ओवरऑल परसेंटेज डाल देना है, कितना परसेंटेज आया था। तो मेरा ही तो कम ही है 54। इसके बाद क्लास 12 का बोर्ड का नाम डाल देना है। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग को भी डाल देना है, उसको भी अपना मार्कशीट में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज डाल लेना है, फिर ग्रेजुएशन में अभी फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, इसलिए यूनिवर्सिटी के नाम डालना है। फिर वहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट डाल लेना है, ठीक है। सबसे पहले ग्रेजुएशन का जो रो है वहाँ पे अपना जो जो सब्जेक्ट लिया है उसको भी डाल लेना पड़ेगा। मेरा बीए है, बीएससी तो बीएससी डाल दीजिए, बीकॉम है तो बीकॉम डाल दीजिए, जो भी अपना अपना डाल दीजिए। मेरा है इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, तो नहीं नहीं एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स डाल देते हैं, ठीक है, फिर मैथमेटिक्स डाल देते हैं, इसके बाद इकोनॉमिक्स डाल देते हैं। अब सही लगा, तो अभी मैं फिलहाल लास्ट ईयर में, इसलिए अपीयरिंग दे रहा हूँ। इसके बाद आपको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद उनको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना इमेज पासपोर्ट अपलोड करने के बोल रहा है, तो अपना पासपोर्ट 30-50 KB के बीच में होना चाहिए, वो भी सिर्फ JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना पासपोर्ट डाल लेता हूँ। बाद फाइल चूज करने के बाद अपलोड कर देना है। अगर आपका फाइल सही से अपलोड हुआ तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करने को बोलेगा, तो सेम है वो भी 30-50 KB के बीच में होना चाहिए। फाइल चूज करने के बाद अपलोड कर देना, वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पर दिखाने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, फिर आपको आईडी प्रूफ डाल देना है, ठीक है। आईडी प्रूफ में आप अपना कोई भी डाल दे सकते हैं, कोई भी मतलब पैन कार्ड भी दे सकता है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड वो दे सकता है, वो अपने नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है। फिर आपको फाइल चूज करना है, फिर अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अपने करने के बाद आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपका है तो यस दीजिए, और अपने जो
पूछा गया हो उसको दे दीजिए, मेरा तो नहीं है इसलिए मैं नो दे देता हूँ। उसके बाद आपको टेस्ट सेंटर दे देना है, कहाँ पे आप टेस्ट जो टेस्ट है उसको देना चाहूँगी, तो मैं अपना अपना हिसाब से दे दीजिए। इसके बाद आपको सेव करना है, ठीक है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फाइनली मेरा जो फॉर्म फिलअप का काम है वो हो चुका है, या फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। आप फाइनल सबमिट करने से बाद करने के पहले एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई मिस्टेक हुआ तो वहाँ पर ही ठीक कर लीजिए। फिर आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। सो मैं सबसे पहले जो पॉपुलेशन स्टडी है उसको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे हॉस्टल चाहिए इसलिए यस। आपको अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए, कोई बात नहीं। फिर पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट करने के बाद आपको ये पेज में रिडायरेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाके एप्लीकेशन और पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये तो हो गया ऑनलाइन का काम। अभी आप सबको एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट, पेमेंट रिसिप्ट एंड जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था उस सब का जेरॉक्स करके A4 एनवलप में अच्छे से सील करके इस लिंक पर भेज देना है, ठीक है। आप इसको स्पीड पोस्ट के द्वारा भी दे सकते हैं और DTDC के द्वारा भी भेज सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। अगर आप सबको मेरा वीडियो से कुछ हेल्प हुआ है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।